अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। राजीव चंदेल जिंदाबाद, राजीव चंदेल जिंदाबाद, राजीव चंदेल जिंदाबाद, राजीव चंदेल जिंदाबाद। नमस्कार विधायक जी, कैसे हैं? मैं बढ़िया, बढ़िया। कैसे हैं? सब ठीक? जी जी। नमस्ते, नमस्ते। कैसे हैं आप? अच्छी हूँ। नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। जी बढ़िया, बढ़िया। नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। जी और कैसे हैं? बढ़िया। तो हम ये कह रहे, क्या बात है भैया? हम पानी की समस्या? सिर्फ पानी नहीं सर, गैस कनेक्शन देने का वादा भी किया था, वो भी पूरा नहीं हुआ। और हर घर को 5 किलो मुफ्त राशन देने का वादा भी करके गए थे, वो भी पूरा नहीं हुआ। मुश्किल से 20 घरों को राशन मिला होगा, फिर वो भी बंद। क्यों अवधेश? वाटर सप्लाई और गैस के डायरेक्ट कनेक्शन के लिए 5 करोड़ का सैंक्शन किया था ना हम, तो फिर अब तक ये काम हुआ क्यों नहीं? जी वो फाइल मंत्रालय में अटकी हुई। क्या है ना विधायक जी, मंत्रालय में हमारे भी कॉन्टैक्ट हैं, हमने पता किया है, वहां से फाइल निकल गई है, आपके कार्यालय में फंसी हुई है। अवधेश, अगले 24 घंटों में ये दोनों काम शुरू हो जाने चाहिए और कल शाम तक हमको इसकी रिपोर्ट चाहिए, समझे तुम? जी। आप लोग क्षमा करिए, लेकिन हम आपसे वादा करते हैं कि अगले 24 घंटों में आपके ये दोनों काम शुरू हो जाएं और हफ्ते भर के अंदर अंदर आपको वाटर सप्लाई और गैस का कनेक्शन भी मिल जाए। राजीव चंदेल जिंदाबाद, जिंदाबाद। राजीव चंदेल जिंदाबाद। प्लीज प्लीज। देखिए, हम आप लोगों की समस्या समझते हैं। क्या है ना विधायक जी, माइंड मत करिएगा, आप बहुत बड़े लोग हैं, आप नहीं समझेंगे। हम जिस तरह से जीते हैं ना, आप जी नहीं सकते। और हम जिस संघर्ष से गुजर रहे हैं, उस संघर्ष से आप गुजरे ही नहीं हैं। नेताओं के वादे किबला माशूक के वादे होते हैं, पूरे ही नहीं होते। हर इलेक्शन में एक नए वादे के साथ वापस। देखिए भाई, हम ऐसे नेता नहीं है जो अपना वादा करके भूल गए। हमने जो वादे किए थे, महिलाओं के लिए इंटर कॉलेज, पासी चौक से नवीन हाट तक की सड़क, सेतपुरा की कृषि योजना, मैसूरपुर का ग्राम उद्योग, ये सारे वादे हमने पिछले इलेक्शन के टाइम पे किए। ये सब काम पूरा हुआ कि नहीं? हुआ है, हुआ है ना। हाँ, एक दो काम हमसे रह गए, लेकिन उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं और हम आपसे ये वादा करते हैं कि ये दोनों काम, गैस कनेक्शन और वाटर सप्लाई, ये जल्द से जल्द पूरा हो। हमारा नेता कैसा हो? राजीव चंदेल जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो? राजीव चंदेल जैसा हो। अब ऐसे ही विदा करोगे या कुछ खिलाओगे भी हमको? बिल्कुल बिल्कुल, आइए विधायक जी, आइए। हाँ। आप ही का होटल है? आओ अवधेश। मुजफ्फरपुर के विधायक श्री राजीव नारायण चंदेल ने आज एक जनसभा को संबोधित करते हुए लोगों को पुराने कामों का लेखा जोखा दिया और नए आश्वासन भी दिए। सारा गांव इस राजीव जी के कार्य से काफी प्रभावित मालूम हुआ, नारों से जनसभा गूंज उठी। इतनी फास्ट फास्ट इंजेक्शन लाकर देने के लिए थैंक यू सो मच। तुम चुपचाप पीछे के रास्ते से निकल जाओ, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि इंजेक्शन तुमने लाकर दिया है। ओके, गो गो। इंजेक्शन किस बात का? दर्द, हंसु को पैर में चोट लग गई थी ना, तो हंसु से दवाई नहीं खाई जाती, तो डॉक्टर ने कहा कि इंजेक्शन दे दो, जल्दी ठीक हो जाएगी, तो हंसु के लिए इंजेक्शन। राजीव चंदेल जिंदाबाद, राजीव चंदेल जिंदाबाद। हमारा विधायक कैसा हो? ये क्या है भाई? डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन। हंसनी चंदेल रेबीज का इंजेक्शन ले रही है। ये रेबीज भाई, ये तो कुत्ते के काटने से होता है, तो ये इंजेक्शन क्यों? Take this.
बट हंसू, आई को एक बात समझ नहीं आ रही है कि दवाई क्यों खुद से क्यों ले रही है। डॉक्टर से सलाह तो ले लो, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ गड़बड़ हो जाए और लेने के देने पड़ जाए। गिव एंड टेक, यू सी। बकवास करना बंद करो। अगर ये चूहा काटने वाला बात अगर ये बात बाहर चला गया ना, तो राजीव को बचाने वाला ड्रामा हवा हो जाएगा और हमारी इमेज की धज्जियां उड़ेगी वो अलग। ना 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 ना, हम ये रिस्क नहीं ले सकते हैं। तुम बस इतना बताओ, कुत्ता काटने वाला इंजेक्शन चूहे के काटने पर चलता है कि नहीं, लगा सकते हैं? ऑफ कोर्स हंसू, ऑफ कोर्स। चूहे के काटने से भी सेम इन्फेक्शन होता है जो डॉग के काटने से होता है, रेबीज। ये दोनों मौकों पर काम करता है। बस देख देख, हमको जरा सा भी दर्द नहीं होना चाहिए, इस बात का ख्याल रखना, वरना उसके बाद तुमको कितना दर्द होगा ना हम बताएंगे बाद में। बहुत डर लगता है इंजेक्शन से। क्लोज योर आईज। चूहे के काटने पे भी रेबीज का इंजेक्शन लिया जाता है? हाँ, तो मतलब हंसनी को तुम्हें मालूम था? हंसनी दीदी को चूहा ने काटा, इसीलिए वो गिरी। वो बाबू को बचाने के लिए नहीं, माने सोच लीजिए कि गणेश जी का कृपा हुआ और उनके वाहन ने दीदी को काट लिया और तभी तो आप और हम दोनों मिलकर बप्पा का विसर्जन कर पाए। गणपति बप्पा मोरिया। बिल्कुल सही कहा तुमने। और वहाँ उसकी नौटंकी मौन व्रत धारण करके बैठी है, बहाने तो सुनोगे उसके बाबा? हमसे कहती है कि आपके लिए, आपकी जीत के लिए ये सब कर रहे हैं हम। नौटंकी। अरे जैसी करनी वैसी भरनी, मिल गया उसको अपने कर्मों का फल, पड़ी रहे बिस्तर में। हमारा विधायक कैसा हो? राजीव चंदेल कैसा हो? राजीव चंदेल जिंदाबाद। सी हंसू, ये यूके बिना ही चला गया और वहाँ जाकर वाहवाही भी बटोर ली। वाह, वेरी नाइस। और यू यहाँ पर अटक गई। आपसे कहे ना राजीव बाबू, कि हमको कोनो फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया का सोचती है। भगवान है ना, भगवान जानता है कि असली अर्धांगिनी कौन है। बस भगवान पे भरोसा रखिए। हंसनी, ओ हंसनी, अरे ओ हमारी अर्धांगिनी, कहाँ हो तुम? अरे तुमने हमारी जान बचाई, शुक्रिया। ओ हंसनी, कहाँ हो तुम? जानेवर कहाँ हो? क्या भाग्य हमारे, कितने लकी है हम कि हमको तुम जैसी अर्धांगिनी मिली, तुम जैसी। भगवान का शुक्रिया नहीं कर सकते हम? ओ हमारी अर्धांगिनी कहाँ हो? हमको बोला हाय, राजीव जी को अचानक से कहा हो गया, अपनी अर्धांगिनी पे, अपनी हंसनी पे इतना प्यार कैसे आ गया? माय गॉड शांसु, क्यों ने तो सच का व्रत भी नहीं किया था, झूठ मूठ के व्रत से इतना फायदा। राजीव इतना बदल गया, यू का तो बहुत फायदा हो गया। हंसु का भक्ति हो। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारी अर्धांगिनी, कहाँ हो तुम? राजीव, ये क्या अर्धांगिनी अर्धांगिनी की रट लगाया जा रहा है? सब ठीक है? क्या पूछ रही हैं आप? बुआ जी क्या पूछ रही है? अरे पता नहीं आपको, आपने देखा नहीं? अरे हमारी जो वो अर्धांगिनी है ना, उसने अपने आप को चोट पहुंचाकर हमको राजीव चंदे की जान बचाई है। हमारी अर्धांगिनी ने, हंसनी ने, हमारी अर्धांगिनी। ओ हंसनी, हमको तो यकीन ही नहीं हो रहा है, राजीव जी हमारी तारीफ कर रहे हैं, हमारी।
चुटी मारो, हमको चुटी मारो, हम कहीं हम सपना तो नहीं देख रहे हैं, हमको इस सपने से कोई उठाओ, ओ गॉड हमको सपने से उठाओ, हमको चुटी मारो। और इतनी भी जोर से चुटी नहीं मारनी थी, चुटी मारने को कहा था, जान से मारने को नहीं कहा था। भाई तो मैं पगला आ गई हो। कौन हंसु, आई के पास कोई मेजरिंग टेप थोड़ी कि आज नाप के चुटी मारेगी। कोई बात नहीं, आज के लिए सब माफ, आज हमारा मूड अच्छा है, लगता है हमारा प्लान कामयाब हो गया। और राजीव जी को लगता है कि उनकी जान बचा कर हम उन पे एहसान कर रहे हैं। वाओ, टू गुड, कम ऑन। क्या हुआ इसको, ये क्या बड़बड़ाया जा रहा है, बोल क्या रहा है ये, कुछ समझ में नहीं आ रहा हमको। बड़बड़ा रहा है, हम बड़बड़ा रहे? अरे नहीं बुआ जी, हम बड़बड़ा नहीं रहे, हम आपको हकीकत बताते हैं, बैठिए। ये जो हमारी अर्धांगिनी है ना, हंसिनी देवी, पता है उसने क्या किया? घर के बाहर विसर्जन हो रहा था, वहां एक चूहा आया हमको काटने के लिए, लेकिन हमारी अर्धांगिनी हंसिनी देवी जी ने चूहे का रास्ता रोका, बोला नहीं चूहे, वो हमारे राजीव बाबू को नहीं काट सकता, वो हमको काट ले, हमारी जगह उसने अपने आप को कटवाया, हमारी जान बचाई। अरे इतनी महान है हमारी अर्धांगिनी। मतलब चूहा तुझे काटने आया? हाँ। और हंसनी को काट के चला गया? जी। ओ। आप समझे कितने भाग्यशाली है हम। ये है हमारी अर्धांगिनी की सच्चाई, चूहे ने काटा उसको, लेकिन उसने क्या किया, ड्रामा कि आपको बचाने के लिए राजीव बाबू हम गिर गए। ये है हमारी नौटंकी, अब अर्धांगिनी। हाँ ये तो राजीव तुम्हारे फिरके ले रहा है। आंसू, यूं को लग रहा था कि राजीव यूं की तारीफ कर रहा है, लेकिन राजीव तो यू की फिरकी ले रहा था, उसको सारा सच पता चल गया। अंशु, और ज्यादा कमेंट्री करने का जरूरत नहीं है, सुनाई देता है हमको, कौन से सुनाई देता है, आंख से दिखाई देता है। हे भवानी, क्या लड़की है ये। इतनी शातिर है, विसर्जन तक से फायदा उठाने की कोशिश की। वो छोड़ो, अभी उसने मौन व्रत धारण कर रखा है राजीव के भले के लिए, मीडिया तक को खबर कर रखी है। सही कहा तुमने, बहुत शातिर है ये। राजीव जी,